हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, एसोसिएट प्रोफेसर आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली। आज वर्ल्ड नो टॉबैको डे पर हम बात करना चाहते हैं कि कैसे हम तंबाकू और सिगरेट से मुक्ति पाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमें इसके लिए कुछ भ्रांतियों को पीछे छोड़ना होगा। सबसे पहली भ्रांति जो मैंने देखी है अक्सर लोगों में, इसके बिना एक 40 साल का इंसान आता है, कहता है कि मेरा इसके बिना पेट साफ नहीं। मैंने उससे पूछा कि भाई कितने सालों से तंबाकू और सिगरेट ले रहे हैं, कहते हैं 20 साल से। मैंने कहा 40 साल की उम्र है, 20 साल काम नहीं है तंबाकू ही लिया, पर बाकी 20 साल तो पेट साफ हुआ है। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो जाता है, और बहुत सारी चीजें, पेट ठीक रहता है, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिन्हें हमें छोड़ना। इसके बाद हमें आगे बढ़ना, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए, चार वर्ड्स, आई, चार लेटर्स, एक सिंपल वर्ड आइडिया, आई डी ई ए, आई फॉर इंटेंशन एंड इंफॉर्मेशन, डी फॉर डिले एंड डिस्ट्रैक्शन, ई फॉर एंगेजमेंट ऑफ योरसेल्फ एंड योर माउथ, एंड ए फॉर अवॉइडेंस एंड अप्रिशिएशन। इंटेंशन इज ये इंटेंट कि मुझे छोड़ना है, ये डेट एक निर्धारित करनी है और इसे हमेशा दिमाग में रखना है कि अब मुझे इस तारीख को छोड़ना ही। उसके बाद इंफॉर्मेशन किसको? इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदार, उनको भी जिनके साथ आप लेते हैं तंबाकू सिगरेट, और उनको भी जिनके साथ आप नहीं लेते। इसका सीधा कारण, जिनके साथ आप लेते हैं वो आपको ऑफर नहीं करेंगे और आपको कमजोर नहीं करेंगे, आपके मन को कमजोर नहीं करेंगे, और जो लोग नहीं लेते हैं वो आपको आपके इंटेंशन को बार बार रिमाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंशन एंड इंफॉर्मेशन, सेकंड इज डिले इन डिस्ट्रैक्शन। तंबाकू या कोई भी नशा, सिगरेट, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी होने वाली तलब। तलब इतनी तेज होती है, इतनी इंटेंस होती है, उसको रोकना मुश्किल होता है। पर इसके साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो बहुत शॉर्ट लास्टिंग होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए। तो इसके लिए अगर हम उसे डिले कर दें या उस समय में हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दें, तो हम उस नशे से उस समय छूट सकते हैं। डिले कैसे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि कल से तो मैं नहीं पूंगा, आज थोड़ी सी मिलेगा। ये स्ट्रेटजी सबसे खराब है, उनका वो आज रोज होता रहता है और कभी वो कल नहीं आता छोड़ने का। इसकी बजाय ये करना चाहिए कि मैं कल देखूंगा पर आज नहीं लेता, इसको डिले कर दूंगा। डिस्ट्रैक्शन उस समय में, उस 5-10-15-20 मिनट के समय को भी अगर हम अपना ध्यान बढ़ा सकते, उसका तरीका है अपने उन दोस्तों से याद फोन करें जिनको जो नहीं लेते, या मोबाइल में कुछ देख लें, या कह दें कि मैं ये ऑफिस का कुछ काम है ये करने के बाद लूंगा, या फिर कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे और 10-15 मिनट में निकल गए तो आप देखेंगे कि आप भूल चुके। थर्ड पॉइंट, एंगेजमेंट ऑफ योर सेल्फ, एक बहुत बड़ा कारण है। लोग ये कहते हैं कि मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं बोर हो जाऊँ, टाइम पास करूँ। इसके लिए अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, बोर होने अपने आप को मत होने दीजिए। आजकल इतने रिसोर्स हो गए कि बोर भी हो सकते हैं, मोबाइल में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, और भी इम्पोर्टेंट चीज, एंगेज योर माउथ, अपने मुंह को एंगेज करें। उसको आप सौंफ, टॉफी, चॉकलेट, ऐसी कोई चीज देकर उसको एंगेज कर। अगर आप उसको एंगेज कर देंगे तो थोड़ी देर में वो इंपल्स चली जाएगी, वो तलब चली जाएगी। लास्ट पॉइंट है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या है? वो चीजें, वो सिचुएशंस, वो परिस्थितियां, वो इंसान, वो जगह, वो यादें जो आपको नशे की याद दिलाती है, वो दुकान जहां से अक्सर आप खरीदते हैं, वो जगह जहां खड़े होकर अक्सर लेते हैं या पीते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानना है कि मैंने 2 दिन छोड़
उसके यहाँ पे छोड़ सकता हूँ और चले गए उसी दुकान पर। वही पुराना दोस्त गया और उसने थोड़ा सा ऑफर किया और आप जो और आप चले आप वापस में शक करते। इसलिए उन चीजों को अवॉइड अप्रिशिएशन अवॉइडेंस एंड अप्रिशिएशन अप्रिशिएशन ये है अपने आप को अप्रिशिएट करके कि मैंने दो दिन छोड़ दिया तो मैं आगे दो दिन और छोड़ सकता हूँ। अगर मैं दो दिन छोड़ सकता हूँ तो आगे दो दिन भी छोड़ सकता हूँ और अगर मैंने पिछले चार दिन छोड़ दिया तो चार दिन और छोड़ सकता हूँ। ऐसे कर एक शॉर्ट प्रोग्राम बनाइए कि मैं 3 महीने ले लूंगा और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 3 महीने नहीं ले पाएंगे तो आप ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी जो है नशे से मुक्त रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।